लोकल फॉर वोकल को मजबूत करने के लिए कृष्ण की नगरी वृंदावन में यमुना किनारे कुंभ स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार ने वृंदावन के यमुना घाट पर मेले का आयोजन किया है। ये मेला 10 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख तक चलेगा। आपको बता दें कि इस मेले की खासियत होगी हुनर हाट, मतलब यहाँ देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुति देंगे, तो वहीं देश के हर हिस्से का रंग यहाँ देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो ब्रिज की फेमस चाट हो, रबड़ी हो, या फिर गुजरात या फिर पंजाबी भोजन, देश को जोड़ने की यहाँ एक कोशिश की गई है। इसी उद्देश्य से करीब 200 स्टॉल यहाँ पर बनाई गई हैं। स्टॉल पर अलग अलग राज्यों के हुनर का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और सांसद हेमा मालिनी यहाँ पहुंचे। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, ताकि मेले को किसी भी तरह से कोई कमी न रह जाए। देखिए, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, और उसके बाद जैसे ब्रजवासियों की और पूज संतों की मंशा थी कि जो ब्रज के अंदर जो कुंभ क्षेत्र है इसको रिजर्व किया जाए, तो लगभग हमने पूरे क्षेत्र को रिजर्व किया है। और इसमें अब आप देखेंगे ब्रज रज उत्सव, तो ब्रज रजोत्सव का शुभारम्भ 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होगा। उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी रहेंगे। इसका दिव्य और भव्य आयोजन यह रहेगा। 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें मिनी भारत की झलक आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ लगभग 160 जो क्राफ्ट जो स्टॉल वो भी लगेंगे, और लगभग 40 से 50 जो फूड कोर्ट भी यहाँ रहेंगे। तो पूरे प्रदेश का, हमारे का, अलग अलग जिलों का, पूरे देश का, और ख़ासतौर से ब्रज की चाट पकौड़ी, ब्रज की कचौड़ी जलेबी, और ब्रज की आलू की जलेबी, ब्रज की बेड़ई, ब्रज की रबड़ी, सोन पपड़ी, जो भी हमारे ब्रज की जो हमारी ब्रज की जो खान पान है, वाव की छटा आप यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन बॉलीवुड का भी दो दिन का कार्यक्रम था, लेकिन काफी कलाकार आ नहीं सके, इसके लिए हम बाद में इस कार्यक्रम को रखेंगे। सीएम साहब भी यहाँ आ रहे हैं, क्या साहब आ रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन वो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि वो 10 तारीख को स्टार्टिंग ओपनिंग करेंगे, उनके हाथ से उद्घाटन होगा, उसके बाद शाम को क्लासिकल डांस म्यूजिक सब चलता रहेगा एवरीडे। लेकिन स्पेशल कार्यक्रम जो है वो अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट है उनका है। अगला दिन सुरेश वाडकर कभी आए नहीं यहाँ पे, तो वो बहुत खुशी हो रही है उनको कि वो भी आ रहे हैं यहाँ। फिर पुनीत इसार जो महाभारत को यहाँ पे पूरा प्ले करेंगे कविता के थ्रू, वो सब बताया है आपको। देन कैलाश खेर जी हैं, फिर अनु कपूर जो है वो भी है, फिर चेन्नई त्रिचूर ब्रदर्स करके है, वो गंगा के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया है, वो सब आपको सुनाई देगा। वहीं इस मेले में मुंबई के बड़े बड़े फिल्मी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 तारीख को यहां पहुंच रहे हैं, जो कि लगभग 3 घंटे यहां रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ प्रदेश के कई मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचकर सबसे पहले साधु संतों के साथ भोजन करेंगे, उसके बाद हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे, यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।